ये सब से यार ट्रेनिंग में चल रहा है, बस इतने का फुल्का हेयर फॉल पूरा है। क्या तो देखिए आप दिखा दे तो पे। ये है अंजीर और ये है किसमिस। किसमिस तो किसमिस ये है ना, देख सकते कितना रुपए का है, देख सकते ये मैं अभी खा रहा हूँ, देख सकते हैं कैसा लगा है टेस्ट। इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है और ये मैंने अभी नहीं खाया, ऐसे देख सकते हैं बहुत अच्छा है। तो बाय दोस्तों। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज की शुरुआत हमारी करीबन मॉर्निंग के 5:30 बजे से हो रही है और अभी मैं उठ चुकी हूँ। उठने के साथ ही एक ग्लास पानी पिया और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। वैसे तो मैं रात को क्लीन करके सोती हूँ बट मॉर्निंग में उठ के गैस चूल्हा को पहले क्लीन कर लेती हूँ और वहाँ का सेट वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं तैयार करती हूँ ब्रेकफास्ट, सारी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँगी। सबसे पहले मैं आटा गूंद के रख देती हूँ, आटा अच्छे से जब तक सेट होगा मैं सारी चीज़ें तैयारी कर लूँगी। आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम की बड़ी ही टेस्टी सी सब्ज़ी, बहुत सच में बहुत, अभी बॉइल्स कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छा बना था। आप लोग भी इस तरह से आसानी से बना सकते हो। तो मैंने मशरूम ले लिया है और सबसे पहले मशरूम को मैं 4 भागों में करके काट लेती हूँ। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा वाला टुकड़ा उतना पसंद नहीं है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना अच्छे से फ्राई वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अच्छे से कटिंग कर लूँगी। जब हमारी सब्ज़ी की कोई भी कटिंग अच्छी होती है ना तो फिर हमारी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। मशरूम को हमने बॉयल्ड होने के लिए रख दिया है, साथ ही साथ उसमें मैंने थोड़े से हल्दी और नमक भी ऐड कर दिया है। पकने में आसानी हो जाता है और कलर भी खूबसूरत लगने लगता है जब हम हल्दी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे आटा गूंद लेते हैं, आटा गूंद के अभी रख देते हैं, फिर मसाला वगैरह की तैयारी करेंगे। ज़्यादा मैं मसाला ऐड नहीं करूँगी पर जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हमारी मशरूम भी बन के रेडी हो गई है जब तक हमारा आटा गूंद रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी कलर आ गई है। यहाँ पे मैंने मशरूम को छोटे से पैन में रखा हुआ है जो हो गया है बहुत आसानी से, और इसे हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे थोड़े से ठंडा जैसे ही हो जाता है तो फिर मैं इसे छान लूँगी, छानते के साथ ही फटाफट मैं रेडी कर देती हूँ। यहाँ तो हमारी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई है बट अभी लंच की तैयारी नहीं हुई है, साथ ही साथ यहाँ पे ठंडी हो गई तो मैं फ्राई कर देती हूँ और यहाँ प्याज भी कटिंग कर देती हूँ। साथ ही साथ 2 आलू ले लिया है, आलू को अच्छे से छील लिया है, धो लिया है और यहाँ पे कटिंग कर देती हूँ क्योंकि बाबू को ले जाना है लंच। और लंच में मैं आज बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को ना मैगी या फिर ऐसे कोई भी फास्ट फूड देते हो ना तो वो हानि ही करता है। आप घर में रहते हो तो कुछ हेल्दी खिलाना चाहिए। मैं खिलाती हूँ, मेरे बच्चे ने बहुत कोशिश करती हूँ खिलाने की बट बाबू मेरा खा नहीं पाता है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इतना फास्ट फूड खाता है घर पे या फिर जब हम बाहर जाते हैं तो स्कूल के लिए कुछ सिंपल सा रखे क्योंकि वहाँ पे गाइडलाइन से अच्छे से बच्चे खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया और पराठा, उसके साथ मैं एक मिठाई ऐड कर दूँगी। तो चलिए यहाँ पर हमारा फ्राई हो चुका है मशरूम भी और इसे अब तैयार करने की बारी आ गई है। इसे मैं अच्छे से छान के निकाल देती हूँ। मैंने सरसों ऑयल में इसे अच्छे से फ्राई किया है, थोड़ा सा मैं इसी में सरसों ऑयल फिर से ऐड कर दूंगी। और उसके बाद मैंने डाल दिया है मिर्चा, प्याज भी ऐड कर दिया है साथ ही साथ। जैसे ही हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसे मसाला ऐड करूंगी। बहुत ही सिंपल सा मसाला है, बेसिक मसाला मैं ऐड कर रही हूँ जो आप डेली किसी भी सब्ज़ी वगैरह में ऐड करते हो, हल्दी नमक धनिया
गोल मिरी जीरा यही सारी चीज़ें हैं। और मुझे पसंद है गरम मसाला का टेस्ट, तो मैं गरम मसाला भी ऐड कर देती हूँ ज़्यादातर सब्जियों में। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर भी ऐड कर दिया है। अच्छे से हमारा फ्राई हो गया है और ये हमारा बनके रेडी हो गया है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी ग्रेवी रहती है ना, तो फिर अच्छा लगता है, जैसे कि हस्बैंड बोले थे थोड़ी देर पहले। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं आटा गून के रख ली थी, तो आटा भी हमारा सेट हो गया था। फाइनली मैं पराठा तैयार कर देती हूँ और चलिए चलते हैं फटाफट, बाबू को रेडी करते हैं। स्कूल का भी टाइम नज़दीक आ रहा है, तो जल्दी जल्दी तैयार कर देते हैं। स्नान करवाना है, कपड़ा वगैरह सारी चीज़ें तैयारी करनी है, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना है ड्यूटी, तो उनके लिए भी, बाबू के लिए भी सारी चीज़ें, लंच वगैरह तो मैंने तैयार कर दिया है बट अभी कराना है, और बाबू को भी तैयार करना है साथ। मेरे बच्चे का ब्रेकफास्ट कराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, उस टाइम बाबू ब्रेकफास्ट कुछ भी खाने का मन नहीं करता उसको, मम्मी मुझे नहीं खाना है, बस नहीं खाना होता है। तो मुझे ब्रेकफास्ट कराने में करीबन 30 मिनट लग जाता है। तो बाबू की लंच भी पहले रेडी कर देते हैं और तैयार व्यार करने के लिए एक ही साथ सब कुछ कर देंगे, लंच ब्रेकफास्ट वगैरह भी करा देंगे। चलिए चलते हैं, हस्बैंड के लिए निकाल दिया है ब्रेकफास्ट, क्योंकि साथ में उनका भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाबू का स्नान वगैरह करा के, और यहाँ तैयार कर देते हैं। बाबू को रेडी कर दिए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करा दिए हैं, और यहाँ पे हस्बैंड और बाबू दोनों लोग निकल चुके हैं अभी, और मैं बच गई हूँ अब अकेले अकेले। अब आराम से टीवी चालू किया और चाय बनाया, चाय बना के लेके आ गई हूँ। थोड़ी देर चाय पीऊँगी, रिलैक्स करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग का वक्त होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, सबके साथ ऐसा होता है, बट फिर भी थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालती हूँ और आराम से बैठती हूँ सुकून से। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि टीवी चलाने का भी मन नहीं करता, सोचती हूँ ऐसी आराम से बैठूँ और उसके बाद चाय वगैरह पीऊँ। जिनके घर में बच्चे होते होंगे ना, उन्हें पता चलता होगा सारी चीज़ें मॉर्निंग तक, रात से मॉर्निंग तक ना ख़राब हो जाती हैं, और फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं या सोए रहते हैं, तो सारी चीज़ों को हम ठीक कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ठीक ठाक कर दिया है। अब बिल्कुल देर ना करते हुए मैं जितने सारे कपड़े हैं वो सारे कपड़े को धुल लूँगी। ये नहीं धुलूँगी ना तो फिर एक काम का टेंशन बना रहेगा, तो मैंने सोचा कि अभी इसे सर्फ में डालते हैं और फटाफट धुल देते हैं। आज सुबह भी बहुत अच्छा किया हुआ है, तो सारी चीज़ें सूख भी जाएंगी। हमारे कपड़े तो सूख जाते हैं, पर जो मोटे मोटे से कपड़े होते हैं वो नहीं सूख पाते हैं। बेडशीट वगैरह जो था, उलेन था, उसे ही धुल देते हैं। तो अभी मैंने एक बेडशीट धुल लिया है, हमारा हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने सावर भी ले लिया है, और अभी चलूँगी पूजा करने के लिए। तैयार व्यार हो लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद आज मैं करने वाली हूँ हेयर केयर, हेयर ऑयल मसाज करने वाली हूँ। और मैंने लिया है आदिवासी हेयर, तो उसे मुझे लगाए हुए करीबन 8 से 9 दिन हो। गाइस अभी आ गए हैं बाहर, और बाहर आके बैठ गए हैं। काम वाम हमारा ख़त्म हो गया, और अभी करीबन बज रहा है 11:30 हो रहा होगा।
क्योंकि क्या होता है ना कि काम करने के बाद ना मन नहीं करता कुछ करने का, बट आज मुझे अपने बाल में अच्छे से ऑयल मसाज करना था, तो सोचा कि चलिए बाहर आ जाते हैं। और धूपा बहुत कड़ा निकला हुआ है, बहुत कड़ा हुआ, बट आज भी ऐसा लग रहा है ना कि शाम तक बारिश आ जाएगा। यहाँ पे ना जिस दिन बारिश होता है ना, जिस दिन धूपा होता है ना उस दिन बारिश होता ही होता है। मतलब इधर ना जहाँ पे भी हम हैं वहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि कम दिन धूपा होता है और ज़्यादा बारिश ही होता है। सो चलिए अभी तो लेके आ गए हैं आदिवासी हेयर ऑयल, जो कि आप लोग के साथ आपको बताना भी था कि आदिवासी हेयर ऑयल मैं लगा रही हूँ तो क्या रिजल्ट है उसका, जो कि मैं बता नहीं पाई थी। बहुत दिन हो गया, करीबन हो चुका है 20 दिन से ऊपर, और मैं इसे देख सकती हूँ इतना मैंने यूज़ किया है, दिखाई दे रहा है भी कि नहीं। इतना ही यूज़ किया है, थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा बाल वैसे देख सकते हो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। और इधर रक्षाबंधन था और मैं चली गई थी घर, जो कि नहीं लगा पाई थी, तो आने के बाद मैं एक बार यूज़ की हूँ और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। उस टाइम मैंने रात को यूज़ कर लिया था, जो कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, जो कि आप लोगों के साथ दिखाना भी था। तो मैं आराम से बैठी हूँ, अभी बाबू भी स्कूल जा चुका है और मेरा काम भी ख़त्म हो गया है, जो कि आराम से यहाँ पे बैठ गई हूँ, सोचा कि आप लोगों के साथ लगा लेते हैं। तो ये यूज़ कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे रिज़ल्ट आ रहा है, जो मैं बता सकती हूँ। बहुत ज़्यादा अभी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला है, जब मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। पिछले जब मैंने न्यू मंगवाया था और 2-3 बार मैंने यूज़ किया ना, 5 बार मैंने यूज़ किया था, तो अच्छा रिज़ल्ट था, बट उसके बाद मैंने अभी छोड़ दिया है। करीबन 10 दिन, 8 दिन हो चुका है और मैंने छोड़ दिया है, तो 8 दिन के बाद यूज़ कर रही हूँ। जो कि मुझे ना, मतलब जब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा तो निकल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहा बट थोड़ा निकल रहा है। तो चलिए हल्का फुल्का हेयर फॉल हो रहा है अभी भी, तो इसे यूज़ कर लेते हैं। और मैं ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, दिखा देती हूँ आप लोग को, बस इतना सा ही यूज़ करती हूँ, दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ, बहुत थोड़ा है। क्योंकि मैं इसे बाल में यूज़ नहीं करती, इसे मैं स्कैल्प में यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से इस तरह करके ही लगाती हूँ। यहाँ पे कंघी से मैं ऐसे कर लेती हूँ इस तरह से, और फिर लाइन निकाल लेती हूँ और फिर साथ में ऐसे कर लेती हूँ। खुद से ऐसे आसानी होता है लगाने में। तो चलिए मैं आप सभी को लगा के पूरे बाल में आपको दिखा। अच्छे से हेयर मसाज कर लिया है और जुड़ा भी कर लिया है, अभी अच्छा लग रहा है, पर चिपटा चिपटा सा अजीब सा हो गया है ना मेरे बाल, तो कोई नहीं, कल तो धुल लूँगी मैं। और इसे ना यूज़ कर रही थी ना, करीबन मैंने जब 1 वीक तक यूज़ किया था तो कुछ ठीक था, फिर जब मैंने छोड़ दिया है करीबन 8 से 9 दिन मैंने छोड़ा, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैंने लगा लिया है, जब तक मैं लगा रही हूँ तो सही लग रहा है, बट जब मैंने छोड़ दिया ना तो थोड़ा मुझे लगा कि फिर से ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा, बट अभी तो पूरा ये बॉटल बाकी है। आप लोगों के साथ जैसा होता है ना मैं शेयर करती रहूँगी अपने ब्लॉग में, और आई होप कि आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। और आदिवासी हेयर ऑयल ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत लोगों का हेयर फॉल रुका है, तो आई होप कि मेरा भी रुक जाएगा और आप लोग के साथ अच्छा रिव्यू शेयर कर पाऊँगी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताना, अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ला जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, और थैंक यू सो मच जो लोग सब्सक्राइब किए हैं एंड मेरे वीडियो को देखते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगेगा तो एक लाइक कीजिएगा, मुझे पता चलेगा।
सो बाय बाय, टेक केयर। और आज अभी काम वाम ख़त्म करने के बाद अभी बैठी हूँ, तो अभी जा रही हूँ एडिटिंग वगैरह करूँगी एंड उसके बाद फिर खाना की तैयारी होगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।